हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो आज है संडे और हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज है फ्रेंडशिप डे, तो आप अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए और उनके साथ हमेशा अपनी दोस्ती को कायम रखिए, अच्छे से निभाइए अपनी दोस्ती को। बस यही भगवान से कामना करती हूँ। तो देखिए, आज कुछ ज़्यादा व्लॉगिंग तो मैंने शूट नहीं की और ये न्यू व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है फिर से। इसके पहले वाला व्लॉग मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और अभी से फिर से मैं नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये कब तक कंटिन्यू कर पाती हूँ पता नहीं मुझे, लेकिन अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आप इस वीडियो में बने रहिए। अच्छा, मैंने बिंदी देखी बड़ी साइज की लगाई है। मैं जो रोज लगाती हूँ ना, उसे थोड़ी सी बड़ी साइज की है। मन कर रहा था तो फिर मैंने सोचा लगा के देखती हूँ, ट्राई करती हूँ अच्छी लगती है कि नहीं। आप मुझे बताना कि अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। और देखिए, नेल पेंट भी लगाया है आज तो मैंने, बहुत दिन में लगाया है। मैं बहुत बहुत दिन हो जाते हैं काम करती रहती हूँ ना, ध्यान ही नहीं रहता कि थोड़ा सा नेल पेंट भी अप्लाई कर लूँ। तो नेल्स ऐसे हो जाते हैं, आधी लगी हुई होती है और आधी निकली हुई होती है। तो आज फिर मैंने अच्छे से क्लीन करके नेल्स को और फिर ये नेल पेंट लगाई है। कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये प्लूटो को ना कान की दवाई डाल रही है, देखो कैसे नाटक कर रही है, बहुत नाटक करती है लड़की। ना दवाई लेती है और ना दवाई ये कान में डलवाती है। बारिश का मौसम है ना, तो फंगल इन्फेक्शन होने का चांस रहता है ईयर में। तो ये सॉल्यूशन है देखिए, तो ये डालना रहता है इनके ईयर्स में, लेकिन ये ना भाग रही है, कब से डलवाई नहीं रही है। आ जा, तेरी बहन की बारी है। ये हमारे जेस को डल गई है और इसको पता है कि प्लूटो को भी डल रही, तो बता रहा है। जेस का क्या, जेस का ईयर है ना वो साफ कर चुके, इसका कान साफ हो गया है। तो देखिए कैसे चुप से बैठा है, ये देख रहा है प्लूटो को कि इसके साथ क्या कर रहे हैं। देखिए प्लूटो, प्लूटो के नाटक देखिए। ये तो बिल्कुल, तो पता है इसका भी इलाज कर दिया। यहाँ हम आ गए थे वॉक करने के लिए और घर से थोड़ी डिस्टेंस में ना ये शिव जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। और इसकी भी ना एक कथा है, कहानी है, तो वो मैं किसी दिन और आपको बताऊंगी कि क्या है, कैसे ये मंदिर बना था या कहाँ से आया है, कैसे हुआ है। तो ये शिव जी का मंदिर ना बहुत मानते हैं, यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है हमेशा। तो आरती हो रही थी इस समय यहाँ पर, तो आप भी दर्शन कर लीजिए, इसलिए मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया। आज ना गैस की टंकी ख़त्म हो गई है, तो ये इंडक्शन पे दूध गर्म कर रही हूँ मैं। ये इंडक्शन ना वैसे यूज़ नहीं करती हूँ मैं, लेकिन आज इसका काम पड़ ही गया, इसको निकालना पड़ा, तो इस पर दूध गर्म कर रही हूँ। और ये जब दूध गर्म हो जाएगा ना, तो फिर बनाऊँगी मैं चाय। और यहाँ पर देखिए बर्तन भी हो गए क्लीन, बस इनको सूख जाए, ड्राई हो जाए, फिर इनको लगाना है और दूध गर्म हो जाएगा तो फिर बनाऊँगी मैं अपने लिए चाय। दोस्तों अभी दूध गर्म हो ही रहा है और फिर मैं रखूँगी चाय। और आपको पता है कि चाय की मेरी हैबिट बहुत ज़्यादा बुरी है, मेरा ना सबके बिना चल जाता है। मैं बिना खाने के भी रह सकती हूँ, लेकिन मैं बिना चाय के नहीं रह सकती, मेरी बहुत गंदी आदत सी पड़ गई है, लेकिन मुझे छोड़ना है। तो बस अभी दूध गर्म हो जाएगा, चाय बनाऊँगी, फिर मैं आगे जाऊँगी और बैठ के अपना आराम से चाय पीऊँगी। और कुछ थोड़ा बहुत काम होगा तो वो कर लूँगी, किचन का तो मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो चलिए पहले चाय बना लेती हूँ, फिर आगे मिलती हूँ आपसे। चाय पी रही हूँ मैं, चाय ले रही हूँ अभी, और रात के बज रहे 9, और देखिए 9 बजे चाय पी रही हूँ। आप भी पी लीजिए। चाय मिल जाए ना तो मतलब सब मिल गया, जान है मेरी चाय। चेंज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अभी तो मुझे चेंज करना है, फेस क्लीन करना है, उसके बाद में फिर सोना है। ये चाय पी लूँ पहले, फिर अच्छे से चेंज करूँगी, फेस को क्लीन करूँगी, उसके बाद में सो जाऊँगी। तो चलिए अभी पहले चाय एंजॉय करते, आप भी पी लीजिए, देखिए कितनी टेस्टी है चाय। जेस बोल रहा है, जेस को बाहर जाना है, चिल्ला रहा है जोर जोर से, बाहर निकाल दो। चलिए अभी पीती हूँ चाय और ये व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी कल मॉर्निंग तक। तो अभी व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ और मॉर्निंग से कंटिन्यू करूँगी। बाय बाय।